हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये स्ट्रेट कट कुर्ती बनाएंगे विद डिज़ाइनर नेकलाइन। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने खादी कॉटन फैब्रिक लिया है, ये मैंने 2 मीटर लिया है और ये ब्रोकेट फैब्रिक मैंने 1/2 मीटर लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड में लेना है। कुर्ती की लेंथ मैं ले रही हूँ 42 इंच। यहाँ पे जुड़ी हुई साइड से हमें शोल्डर का हाफ लेना है तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे आर्म होल में ले रही हूँ 6 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। कमर लेंथ मैं ले रही हूँ 14 इंच। हिप लेंथ मैं ले रही हूँ 20 इंच। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। यहाँ पे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। अभी इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। इस तरह से हमें इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। अभी यहाँ पे बॉटम में भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है तो मैं यहाँ पे भी 11 इंच ले रही हूँ। जितना यहाँ लिया है उतना ही यहाँ पे भी लेना है हमें। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। हम स्ट्रेट लाइन कुर्ती बना रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करना है तो इसके लिए यहाँ पे इसका हाफ लेना है हमें और यहाँ से हमें आर्म होल का शेप दे देना है। 1/2 इंच अंदर से एक और आर्म होल हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी यहाँ पे जो हमने हिप लेंथ का निशान लगाया यहाँ पे हम कट लगा देंगे। यहाँ से हम स्लिट रखेंगे। अभी हमें इसमें से बैक का पार्ट हटा देना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल कट कर देना है। अभी हम स्लीव कट करेंगे। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड में लिया है। ये जुड़ी हुई साइड है। इसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है 9 इंच। स्लीव लेंथ मैंने ली है 16 इंच। यहाँ ओपन साइड से हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ से हमें स्लीव का शेप दे देना है। स्लीव बॉटम मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है और इसकी कटिंग कर देना है। ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमें सेंटर पे कट लगाना है। इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच अंदर से कट कर देना है। अभी फ्रंट नेक बनाने के लिए इस तरह से फैब्रिक लिया है मैंने। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंच। अभी हमें इसे यहाँ पे फोल्ड करना है 1/2 इंच अंदर। रॉन्ग साइड में हमें फ़ोल्ड करना है। 1/2 इंच अंदर हमें फोल्ड, तीनों साइड में फ़ोल्ड करते जाना है। यहाँ पे हमें फ़ोल्ड नहीं करना है, सिर्फ तीनों साइड में फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे तीनों साइड में फ़ोल्ड कर दिया है इस तरह से। अभी हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और यहाँ पे कुर्ती के नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है और राउंड शेप दे देना है। अभी इसकी कटिंग कर देंगे।
अभी इस पैच को हमें डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे इसे डबल फोल्ड कर लेना है और ये जो पीस हमने यहाँ से कट किया है इसे यहाँ पे रखना है, फोल्डेड साइड के ऊपर हमें फोल्डेड साइड रखना है और इसी शेप में इसे ड्रॉ कर लेना है। और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अभी हमारी कुर्ती और पैच दोनों में नेक की कटिंग हो गई है। अभी हमें कुर्ती को ओपन कर लेना है इस तरह से। ये रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर हमें उल्टा रख देना है पैच को और नेक के शेप में हमें यहाँ पे किनारे से सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पे स्मॉल कट्स लगाने हैं। अभी कट्स लगाने के बाद में हमें इसे सीधी साइड में पलट देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने पलट दिया है। यहाँ पे हमें सेंटर से सेंटर को मैच कर लेना है। यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। अभी ये स्क्वायर पीस लिया है और एक थर्माकोल बॉल लेना है और इसे इसमें रखना है ऐसे, इस तरह से इसके अंदर रखना है और धागे से हमें इसे लपेट देना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें गांठ लगा देनी है। देखिए, इस तरह से हमें पोटली बटन बनाने हैं। ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये सारे पोटली बटन्स बना लिए हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड है और यहाँ लेफ्ट साइड में हमें एक एक इंच की डिस्टेंस पे निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक एक इंच की डिस्टेंस पे निशान लगा दिया है। अभी हमें जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे पोटली बटन को इस तरह से अंदर रखना है। सारे पोटली बटन्स को हम यहाँ पे जहाँ जहाँ निशान लगाया वहाँ पे रखना है और सिलाई लगानी है तीनों साइड में। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पोटली बटन्स लगा दिए हैं और तीनों साइड में सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये पैच बन गया है। अभी ये मेरा बैक का पार्ट है, इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप दे देना है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है नेक की। अभी इसी शेप की हमने एक स्ट्रिप कट कर ली है, इसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इसे उल्टी साइड में हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बैक नेक बना लिया है। अभी हमें इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट उल्टा रख देना है, दोनों सीधी साइड अंदर रखनी है और यहाँ पे हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये मेरे स्लीव की सीधी साइड है और एक स्ट्रिप मैंने कट की है, ये 4 इंच चौड़ी है। इसे हमें यहाँ पे लगाना है तो इसे हमें सीधा अंदर डालना है इस तरह से और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसे सीधी साइड में पलट देना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना है और इसे अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है।
ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और इसी तरह से दूसरा स्लीव भी बना लिया है। ये देखिए शोल्डर अटैच करने के बाद में हमें स्लीव को यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए स्लीव का सेंटर और शोल्डर मैच करना है और इसे उल्टा कर रखना है इसके ऊपर और यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी लगा देंगे। ये मैंने स्लीव लगा दिया है। अभी हमें स्लीव से लेके हिप लेंथ तक सिलाई लगानी है। ये देखिए स्लीव से लेके हिप लेंथ तक हम सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। इसके नीचे हम सिलाई नहीं लगाएंगे, इसे इसके नीचे हम स्लिट रखेंगे। इस तरफ भी स्लीव से लेके हिप लेंथ तक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद में हम सबसे पहले बॉटम को फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे बॉटम फोल्ड कर दिया है। अभी ये स्ट्रिप मैंने 4 इंच की कट की थी, इसे यहाँ पे हमें लगाना है, तो मैंने इसे दोनों साइड में अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे इसे लग स्टिच कर देना है। ये देखिए ये मैंने पट्टी लगा दी है। अभी हमें इसके चाक बनाने हैं, तो इसके लिए हम कुर्ती को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम बॉटम से ले कर शुरू करेंगे डबल फोल्ड करते हुए, दूसरे बॉटम तक हम इसे डबल फोल्ड करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।